sorry kitties only on parkway असल पाक वील्स मेरा नाम है सुनील मंच मैं पाक वील वीकली के एक और एपिसोड के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूँ आज के वीकली में मैंने अपने आप से बाधा किया था कि मैं कोई ऐसी न्यूज़ नहीं लेकर आऊंगा जो कि प्राइस इक्रीज़ या ऐसी रिलेटेड न्यूज़ होगी बिकॉज पिछले वीकलीज को मैं देख रहा था तो सब में तकरीबन प्राइस इंक्रीज़ की न्यूज़ थी सो आज का जो वीकली है उसमें ज्यादातर अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने पाक व्हील्स के ब्लॉग में से लिंक निकाले हैं और आपसे वो इंफॉमेसन शेयर करूँगा अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी एड लगाएं डे लाइट में पिक्चर्स एड आरोप गाड़ी की मुनासिब कीमत रखे गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखे और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दे क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाए और चालीस लाख जेनवन खरीदारों तक रसाई हासिल करें काफ़ी एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि पाकिस्तान मार्केट में आ रही हैं और पाकिस्तान के मैं हमेशा ही बात करता हूँ इंडस्ट्री के लिहाज से कंज्यूमर के लिहाज से बहुत अच्छी चीज है तो सबसे पहले मैं आपको बताया चलो हमने आपको दो तीन हफ्ते पहले बताया था कि पे सोशल मीडिया पे और हर जगह एक न्यूज गर्दिश कर रही थी जो कि गलत न्यूज थी कि टोयटा क्रॉस की बुकिंग शुरू हो गई है तो सिक्सटी लाख रुपीज की प्राइस थी कि और बुकिंग करा लें और इस तरह की दो तीन लोगों ने किया था और मैंने आप लोगों को कहा था कि इस तरह की जो फ्रॉड है उनसे बच के रहें तो हमारे पास जो रिपोर्ट के मुताबिक टोयटा इंडस मोडर जो है वो पाकिस्तान में टोयटा क्रॉस को मुतार कराना चाहती है और इनिशियली जो है उसका सीबी यूनिट जिसको कंप्लीटली बिल्ड यूनिट बोलते हैं जो कि इंपोर्टेड होता है वो आएगा पाकिस्तान में ये 1800 सीसी हाइब्रिड कार होती है अगर आप इसके बारे में डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो जो टोयोटा क्रॉस है उसका जो ब्लॉग है उसका लिंक मैं नीचे लगा दूंगा दुनिया में किस किस मार्केट में आती है इसके क्या स्पेक्स हैं वो तमाम उसमें लिखे हुए हैं फिलहाल न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान में इंडस जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च करने वाला है इस साल के एंड तक या अर्ली नेक्स्ट ईयर के अंदर इसी तरह अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो वो होंडा को लेके हम आपको काफ़ी अर्से से बताते आ रहे हैं कि होंडा सिटी जो है वो तकरीबन एक दिहाई से ज़्यादा हो गया उसकी एक ही शेप चल रही है फिफ्थ जनरेशन है दुनिया में सेवन जनरेशन आ चुकी है सो तो हमारे पास लेटेस्ट न्यूज जो होंडा पाकिस्तान से रिलेटेड है वो ये है कि होंडा सिटी पाकिस्तान में सेवन जनरेशन लॉन्च होगी और अगले साल के पहले क्वार्टर के अंदर लॉन्च होगी इसके अंदर आने वाले ग्लोबली दो इंजन है बट पाकिस्तान में मेरा है तीन इंजन लॉन्च किए जाएंगे जिसमें 1300 और 1500 सीसी सी नेशनल एलिप्रेटेड इंजन है जिसको एन बोलते हैं दुनिया में तेरह सौ डिसकन्टिन्यू हो गया है इसके अलावा एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग इंजन है वो वन लीटर टर्बो इंजन है जो कि पाकिस्तान में भी लॉन्च किया जाएगा हज़ार सी टर्बो जो वेरिएंट है वो महंगा होगा ग्लोबली भी महंगा है और इसके बारे में जो भी हमें मजीद डिटेल मिलती रहेगी कि उसकी लॉन्च डेट क्या है पाकिस्तानी वाली गाड़ी में ऑप्शन क्या है आप ब्लॉक के अंदर जाके पढ़ सकते हैं कि ग्लोबली इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और पाकिस्तान में देखते हैं कि ओण्डा जो है पाकिस्तान में कौन कौन सी ऑप्शन को चूज़ करता है कंज्यूमर मार्केट के लिए और मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ ये होगी कि अभी अगर आप देखें तो होंडा सिटी की जो फिफ्थ जनरेशन है वो मार्केट में कम्पीट है टोटा यारिस के साथ जो कि रिलेटिवली एक बहुत नई गाड़ी है बट अगले साल में जब होंडा सिटी की सेवन जनरेशन लॉन्च हो जाएगी और ग्यारह और वो कम्पीट करेंगे तो अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव कम्पटिशन भी होगा जिसका फ़ायदा कंज्यूमर मार्केट को एक एडिशनल चॉइस की जो है सूरत में मिलेगा इसके बाद अगर हम टोयटा की तरफ ही आ जाएँ तो टोइटा ने पाकिस्तान में टी जो है फ़ॉर्चूनर उसको बुकिंग का जो है ना एक तजबजब चल रहा है तकरीबन आज से चार से पाँच महीने पहले अगर आप टोयटा के किसी भी डीलरशिप पे जाके प्राइस लिस्ट लें गाड़ी की तो फार्चूनर के अंदर एक वेरिएंट था जो कि सिगमा जो है सिगमा फोर डीजल वेरिएंट है उसके ऊपर प्राइस के ऊपर एक वेरिएंट आया था जिसको टी का नाम दिया गया था जब हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की तो हमें पता लगा कि अभी उसकी प्रोडक्शन शुरू नहीं हुई फिर कोविड नाइन्टीन आ गया डिले हो गया अर्लियर ऑगस्ट के अंदर जो है टी आर का लॉन्च जो एक्सपेक्टेड था अब लोग पूछते हैं कि टी क्या है टी जो है बेसिकली ट्विटर रिसेंट डेवलपमेंट टी उसका एब्रीविएशन है और पाकिस्तान में पहले भी टी आर फॉर्च्यूनर आया है जो पिछला जनरेशन फॉर्च्यूनर की थी बिल्कुल टूवर्ड्स एंड ऑफ द मॉडल चेंज जो है टी आया था और अभी भी मुझे लगता है कि एक एक मैं इस बार में सोच रहा था कि हो सकता है कि टी आर डी बॉडी किट का पा गाड़ी में आना इस बात का साइन हो कि शायद अगले साल पाकिस्तान में फॉर्च्यूनर जो है उसका भी नई शेप आने वाली हो इसके अलावा पाकिस्तान की मार्केट के अंदर मैं आपको हमेशा न्यूज़ देता रहता हूँ अपकमिंग गाड़ियों के बारे में तो एक और न्यूज़ किया को लेके आया किया ने अपनी स्पोर्टेज जो है उसकी वजह से जो क्रॉस ओवर या मिनी एस यू वी की जो सेगमेंट है उसमें बहुत डिस्ट्रप्शन क्रिएट की और बहुत अच्छी उनकी जो रिस्पांस है मार्केट में रहा है और एक मुतातंदाजे के मुताबिक अब तक पाकिस्तान में तकरीबन उनके बारह हज़ार के करीब यूनिट बिक चुके हैं नाव किया इज़ रेडी टू एंटर इन टू एन अदर सेगमेंट जो कि तकरीबन आप समझ सकते हैं कि स्पोर्टेज से ऊपर और फॉर्च्यूनर के दरमियान एक प्राइस रेंज के अंदर किया एक और गाड़ी लेके आ रहा है किया सिरान्टो के नाम से और इसमें दो तीन इंजन फॉर्मेशन आती है मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो पाकिस्तान में इंजन आएगा वो वही इंजन है जो कि ग्रैंड कार्निवल में आता है और बेसिकली ये गाड़ी जो है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर बनी होती है जिसके ऊपर किया ग्रैंड कार्निवल बनी होती है तैंतीस सौ सी सी इंजन है वी सिक्स पेट्रल और उसमें गाड़ी के अंदर क्या क्या ऑप्शन रखते हैं ग्लोबली मैं देख रहा था उसमें काफी ऑप्शन आती हैं जिस तरह की स्पोर्टेज में है पैनरामिकान रूफ है और डिफरेंट ऐसी ऑप्शन जो कि कंज्यूमर मार्केट को लिए बड़ी अट्रैक्टिव है और अगर किया पाकिस्तान में इस गाड़ी को 60 से लाख रुपए के बजट में लॉन्च कर देता है तो मेरे ख्याल से इस प्राइस सेगमेंट में ट्रक्स के अंदर कोई भी प्राइस प्राइस कंपिटिशन मौजूद नहीं है तिहत्तर लाख रुपए में आपको टोटा हाइलेक्स मिलता है या सेवेंटी सेवन लाख रुपीज में जो बेस वेरियंट है फॉर्चूनर का वो मिलता है सो अगर किया पाकिस्तान में किया सिरानटो को इस प्राइस के अंदर लॉन्च कर लेता है जो कि मेरी इंफॉर्मेशन है कि इस साल के एंड तक वो प्लान करते हैं कि इसको पाकिस्तान में उन्होंने लॉन्च करना है तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है इट्स अ सेवन सीटर पेट्रल कार वी सिक्स तैंतीस सौ पैंतीस सौ दो अंदर इंजन आते हैं लोडेड गाड़ी है और देखने में भी खूबसूरत है सो so, हमें इसके बारे में जो ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे एक मैं आप लोगों से बड़े अरसे से बात शेयर करता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो लोकल गाड़ियाँ हैं या इंपोर्टेड गाड़ियाँ हैं वो डॉलर की अप्रिसिएशन की वजह से इतनी महंगी होती जा रही है कि नई गाड़ी जो है वो एक आम सफ़ेद पोश आदमी की री से बाहर होती जा रही है इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक जो है सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम गाड़ियों की रिजिस्टोरेशन की वीडियोज़ आपके लिए बना के लाते हैं और उसका मकसद यही है कि एक सफ़ेद पोश आदमी एक पुरानी गाड़ी को लेकर रिस्टोर करके उसको अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए रिलायबल गाड़ी बना सकता है अगर आप भी ये रिजिस्टोरेशन वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें और जाके देखें कि आप किस तरह एक गाड़ी को लेके इसको बिल्कुल स्क्रैच से तैयार करके एक रिलायबल गाड़ी के फॉर्म में अपनी फैमिली के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बात और इसी गाड़ियों की केयर के बारे में तो मैं आप लोगों से एक और न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा टोटल पाकिस्तान को हम तमाम लोग जानते हैं इससे पहले फ्यूल स्टेशन की वजह से हम लोग पाकिस्तान में हमारा इंट्रेक्शन टोटल पाकिस्तान से होता रहा है टोटल पाकिस्तान ने एक और लीड ली है और पाकिस्तान में पहली मरतबा इम्पोर्टेड कार केयर की जो पूरी कम्प्लीट रेंज है प्रोडक्ट्स की वो लेकर आए हैं मैं उनका लिंक जो है वो नीचे लगा दूँगा मैंने ख़ुद भी अपनी गाड़ी में इनको इस्तेमाल करके देखा है और मैं कोशिश करूँगा कि इनकी फीडबैक वीडियोज़ जो है या यूजेज वीडियोज हैं वो आप लोगों के लिए बना के लाऊं और आप लोगों से शेयर करूं लास्ट वीकली में मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि फवाद चौधरी साहब जिसको लीड करते हैं उसके मिनिस्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक लीड ली है जो कि बड़ा मैं कह रहा हूँ पुरस्तश एक अमल है कि पाकिस्तान में सबसे पहली बार किसी ने भी पाकिस्तान की जो मेड इन पाकिस्तान गाड़ियाँ हैं लोकली मैनुफैक्चर गाड़ियाँ हैं उनकी क्वालिटी के बारे में सवाल उठाया है कि वो किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरे होने चाहिए मैंने लास्ट वीकली में बात की थी कि हमें व्हील को री करने की ज़रूरत नहीं है और एक खुशाइन न्यूज़ आप लोगों के लिए है कि जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था कि पाकिस्तान डब्ल्यू पी जो है स्टैंडर्ड उसका सिग्नेटरी है तो पाकिस्तान उसी को फॉलो कर रहा है और उसके बारे में जो भी पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार होगा या जो उसके मुहरक हैं मैं अगले वीकली में कोशिश करूँगा कि आपके लिए लेके आए इस सिलसिले में मेरी एक और फीडबैक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है उन तक ज़रूर पहुँचेगी ये है कि दुनिया के अगर हम केस स्टडीज़ उठा लें खास पर इंडिया की उठा के देख लें तो ये डब्ल्यू पी स्टैंडर्ड हैं जिनको फॉलो करना है जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स को आप फॉलो करते हुए स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते हैं ये उन ऑटो मैनुफेक्चर के लिए तो बहुत आसान है जो कि प्रीमियम सेगमेंट में या लग्जरी सेगमेंट में काम कर रहे हैं बिकॉज उनके पास ये लिबर्टी होती है कि ऑब्वियसली जब आप स्टैंडर्डाइज फॉलो करेंगे स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएंगे तो आपकी प्राइस ऊपर जाएगी सो so, जो महंगी गाड़ियाँ हैं या जो लग्जरी मार्केट की गाड़ियाँ हैं उनके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर आप स्टैंडाइजेशन को फॉलो करके थोड़ा सा प्राइस बढ़ा भी दें तो आपका कंज्यूमर जो है वो उसको बेयर कर लेता है बट हज़ार सी से नीचे जितने भी मैन्युफैक्चर हैं जिनमें सुजुकी एफ ए किया की पिकांटो भी आती है या कोई भी मैनुफेक्चर जो अगर इस सेगमेंट के अंदर गाड़ियों की प्रोडक्शन कर रहा है और अगर उसके ऊपर भी उतना स्ट्रिक्टली डब्ल्यू पी ट्वेंटी नाइन को फॉलो करने के लिए जोर डाला जाएगा तो मुझे ये डर है कि उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी बिकॉज हमारे मुल्क में होता ही है कि हम दुनिया के जब स्टैंडर्ड उठाते हैं और उनको कट कॉपी पेश करने की कोशिश करते हैं तो हम ये रियलाइज नहीं करते कि ग्राउंड रियलिटीज जो हमारे मुल्क में वो थोड़ी डिफरेंट है अगर हम डेंगू की बात करें हम कोविड टीन की बात करें तो दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक थे या जो फ्लू थे उन्होंने भी वो चीज़ें फॉलो नहीं की थी जितना स्ट्रिक्टली हम लोग बाय बुक चलना शुरू कर लेते हैं तो मुझे ये डर है कि अगर हम डब्ल्यू पी ट्वेंटी नाइन को भी एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और बगैर जो ग्राउंड रियालिटी है उनको देखे उसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो उससे नुकसान एट द एंड कंज्यूमर का ये होगा कि गाड़ियों की प्राइस ऊपर चल जाएंगी पहली चीज़ दूसरी चीज़ एक और सजेशन गवर्नमेंट के लिए है कि अगर हम ये स्टैंडर्डाइजेशन को एक लो प्राइस में करना चाहते हैं इंप्लीमेंट और हम चाहते हैं कि जो ऑटो मैनुफेक्चर है वो कंज्यूमर की जो लाइफ है उसको रिस्क ना डाले वो कंज्यूमर के लिए ऐसी प्रोडक्ट डाले जो कि लाइफ सेविंग है तो हमें उनकी क्योंकि उनमें से जोन से भी कंपोनेंट है ज्यादातर एयरबैग हो गया एबीएस ब्रेक्स हो गया वो लोकलाइज नहीं है वो इंपोर्ट होते हैं और हमें यह बात पता है कि जब गाड़ियाँ इंपोर्ट होते हैं उनके पार्ट इंपोर्ट होते हैं तो उनके ऊपर ड्यूटी दी जाती है सो गवर्नमेंट फॉर टाइम भींग ऐसा कर सकती है कि जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनसे लाइफ सेविंग के रिलेटेड है जैसे कि ए ब्रेक हो गई या आपका एयरबैग सिस्टम हो गया तो आप उसकी इम्पोर्ट को ऑटो ऑटोमैनुफैक्चर के लिए ड्यूटी फ्री कर सकते हैं और उनको आप इस बात का पाबंद कर सकते हैं कि वो इस बेनिफिट को कंज्यूमर को पास ऑन करें सो so, पार्क विलर्स मैंने आप लोगों से लास्ट वीकली में बताया था आप लोगों के हमारा जो मिलियन सब्सक्राइबर का काउंट है वो शुरू हो चुका है हम तकरीबन आठ लाख नब्बे हजार सब्सक्राइबर् फैमिली है और इशाला बहुत जल्द हम एक मिलियन सब्सक्राइबर को रीच कर लेंगे और मैंने आप लोगों से कहा था कि कमेंट सेक्शन में जिसके ज़्यादा अच्छे होंगे या जितने लोग सब्सक्राइब कर चुके होंगे मिलियन तक उन सब लोगों को एक चांस मिलेगा एक कुरी में पार्टिसिपेट करने का उस में हम लोगों ने जो गिफ्ट डिसाइड किए हैं उनकी डिटेल मैं आपसे अगली वीकली में शेयर कर लूंगा जिसमें मोटरसाइकिल और दूसरे एक्साइटिंग इनाम हैं सो अगर आप भी अभी पाक व्हील्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे कमेंट सेक्शन में जितने क्वालिटी कमेंट्स आप ज़्यादा करेंगे उतना चांस आपका इस कुरानदाजी के अंदर इन इनामात को जीतने का बढ़ता जाएगा इन बहुत जल्द हम इस मार्क को जो है अचीव कर लेंगे वन मिलियन जो सब्सक्राइबर का है और ये कुरानदाजी जिस दिन हमारा ये वन मिलियन मार्क अचीव हो जाएगा उस दिन लाइव आपके साथ वीकली में ही की जाएगी आखिर में अगर हम पब्लिक सर्विस मैसेज की बात करें तो हम काफ़ी अरसे से ये चीज़ देखते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ अंडर एज ड्राइविंग जो है वो काफ़ी हादसा का सबक बनती है गाड़ियों में मैंने देखा ये ट्रेंड ज़रा कम है लेकिन मोटरसाइकिल में अगर हम देखें खास तौर पे हमारे गिर्द के इलाकों में जो छोटे इलाके होते हैं कस्बे होते हैं या फिर अगर आपने गली मोहल्लों में देखें तो जो छोटे छोटे उम्र के बच्चे होते हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ना सिर्फ अकेले मोटरसाइकिल चला रहे हैं बल्कि मैंने कई केसेज़ में देखा है वो फैमिलीज़ को इधर से उधर ट्रैवल कराने के लिए और गलियों में इधर से उधर ट्रैवल करने के लिए भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बड़े भेदृढ़ तरीके से करते हैं और मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी हम लोगों को चाहिए कि हम इस चीज़ को डिस्करेज करें बिकॉज़ ये ठीक है आपको यूटिलिटी लगती होगी कि जी आप बच्चे के साथ इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं और बच्चे आपके काम आ रहे हैं और आपकी हेल्प कर रहे हैं लेकिन ये जो है उनके लिए लॉन्ग टर्म में जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है और हम लोगों ने देखा है कि कभी ऐसे हादसा होते हैं हमारे इर्द गिर्द खास तौर पर टू व्हीलर्स के ऊपर जो हादसा होते हैं वो बहुत जानलेवा होते हैं बिकॉज आपकी बॉडी जो है वो पूरी एक्सपोज होती है जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं और रिस्क और जो है वो फैक्टर वो बहुत ज़्यादा है एज़ अ पोज टू थ्री व्हीलर और अ फोर व्हीलर तो कोशिश करें कि अंडर एज जो जो ड्राइविंग है उसको डिस्करेज करें बेशक वो फोर व्हीलर पे हो थ्री व्हीलर पे हो टू व्हीलर पे हो ये आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करें बल्कि आप उसकी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं और हमने एक नहीं सैकड़ों ऐसी एग्जाम्पल देखी है जिनके में होता ही है कि बाद में लोग जो है पछताते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं कि एहतियात जो है वो पछतावे से बहुत बेहतर चीज़ होती है तो हमें चाहिए कि एज अ सोसाइटी हम इसको डिस्करेज करें अगर हमें इर्द गिर्द कहीं नजर आता है कि कोई अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है तो हम कोशिश करके उसके वालदेन तक पहुँचें उनको इस बात की शिकायत लगाएं एज अ सोसाइटी हम इस बात को डिस्करेज करें और मतलब कानून का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को इन्वॉल्व करते हुए जिस तरह भी हो सके हमें इस अंडर एज ड्राइविंग बेशक वो टू व्हीलर है थ्री व्हीलर है या फोर व्हीलर है उसको डिस्करेज करना है और अपने इर्द गिर्द के लोगों को और अपने जो गिर्द का माहौल है उसको अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक महफूज़ जगह बनाना है ये था आज का वीकली अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें कॉमेंट सेक्शन में अपनी राह से आगाह करते रहा करें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने गर्द नव लोगों का ख्याल रखिएगा शुक्रिया